फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्मार्ट की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड आया था, जिसका जो बोर्ड नंबर है TP.MS358.PB801। इसमें जो EMMC लगी है वो 4GB की EMMC है, और ये बोर्ड मेरे पास कोरियर में रिपेयर होने के लिए आया है, किसी कस्टमर का है। तो इसमें क्या था, लोगों पे रुका हुआ था ये बोर्ड, तो मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर है वो करके इसको ओके कर लिया है। और ये देखो, आपको डिस्प्ले में दिख भी रहा होगा, इसका जो सॉफ्टवेयर है मैंने कर दिया है बिल्कुल ओके कंडीशन में। अब इसका क्या करना है, हमने इसका जो डाटा है वो हम इसको पेन ड्राइव में रिकवर करेंगे। पेन ड्राइव में कैसे रिकवर करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी MMC 4GB की है, तो मैंने इसकी डाटा रिकवर करने के लिए मैंने 16 GB की पेन ड्राइव दे रखी है, और मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो 16 GB की है। और 8 GB का बोर्ड होगा तो भी 16 GB की पेन ड्राइव से ही इसको रिकवर करना है, क्योंकि ऐसा है कि छोटी पेन ड्राइव से आप रिकवर करोगे, मान लो आपका 4 GB का डाटा है, 4 GB से ही रिकवर करोगे, तो आपका कुछ ना कुछ परसेंट उसमें रिकवर नहीं होगा। तो उसकी वजह से आपका जो EMMC साइज है पूरा रिकवर नहीं होने की वजह से आपका बोर्ड कम चांस है ओके होने की। तो ये फाइल मैं पहले तो आपको रिकवर करके दिखाऊंगा, फिर हमारे पास कुछ बोर्ड जो बिल्कुल ही गलत सॉफ्टवेयर डालने से बिल्कुल ही नो इंडिकेटर में है और वोल्टेज बिल्कुल ओके है, तो उसमें यही फाइल हम उसको वापस उसमें डाल के आपको ओके करके दिखाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये कन्फर्म कैसे चेक करना है आपको बताता हूँ, रिकवर कैसे करना है। सबसे पहले मैंने सिक्योर CRT ओपन करके उसको कनेक्ट कर दिया है, ये देखो बिल्कुल ओके। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, पहले तो पावर से डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो USB 1 है या 2 है उसमें आप स्लॉट में लगाओगे, और उसके बाद एंटर दबाएंगे। ये एंटर आपने जो उसकी पावर है सप्लाई, उसको लगाने के पहले दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपका जो ये कंसोल में एंटर हो जाएगा, और इससे हम यहाँ पे अपनी इसकी कमांड वगैरह सब दे सकते हैं। और इसका जो ये देखो, यहाँ पे आपको ये कंफर्म भी हो जाएगा, ये आपका जो EMMC है वो 3.63 GB का है, और इसमें अभी जो इसकी जो 4 GB के लिए हमारी कमांड है जो इसमें हम एंटर करेंगे, तो वो आपको मैं एंटर करके दिखाता हूँ। इसकी जो ये कमांड है मैं आपको बता देता हूँ, EMMC bin, और इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपका बता रहा है कि इनेबल टू ओपन EMMC.bin, मतलब कि जो आपका वो पेन ड्राइव है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये हम इसका पेन ड्राइव का स्लोट चेंज कर देंगे, फिर वापस से वही कमांड एंटर करेंगे, EMMC bin, और एंटर वापस कर देंगे, और इससे भी अपना वो नहीं लिया। अभी इसको ये करने के बाद अभी हमने क्या करना है, EMMC bin space 1, और ये 1 करने के बाद आपका जो बोर्ड है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका जो EMMC का डाटा था वो आपके बोर्ड में पेन ड्राइव में जा रहा है बोर्ड से, और इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो पेन ड्राइव में रिकवर हो जाएगी। और ऐसे ही 8 GB का डाटा रिकवर करने के लिए उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये पहले तो हम इसको रिकवर कर, उसके बाद मैं आपको बोर्ड ओके करके बताऊंगा वो कैसे करना है। ये अभी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी जो टाइमिंग हो रही है इसकी 8 बज चुके हैं और 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी अभी इसको कम से कम 15-20 मिनट टाइम लगेगा रीड होने में,
तो मैं आपको अभी इसकी टाइमिंग भी दिखा दूंगा, तब तक मैं इसको वीडियो को थोड़ा पोज कर देता हूँ और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसको कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना जो ये ईएमसी का जो डाटा है वो 100% कंप्लीट दिखा रहा है, और अभी जो टाइम भी हुआ है वो मतलब 20 मिनट लिए इसने पेन ड्राइव में रिकवर होने के लिए, 4 GB की जो ये फाइल थी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने जो कमांड दिया था emmc bin, उस टाइम हमने space 1 दिया था। space 1 का मतलब ये है कि हमने जो आपका जो slot 1 है उसमें पेन ड्राइव लगी हुई थी, हम slot 2 में लगाएंगे तो emmc bin space 2 की कमांड देंगे। तो ऐसे ही अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम इसकी पावर निकाल देते हैं और ये इसकी पेन ड्राइव निकाल लेते हैं। पेन ड्राइव निकाल कर भी जो डाटा था हमने पेन ड्राइव में रिकवर करा था, मैं आपको दिखाता हूँ पेन ड्राइव स्लोट में लगा के ये सब इन्फॉर्मेशन क्लोज कर देते हैं। और ये फाइल आपकी जो ये है हम रीड करिए VGA के थ्रू, ये आपकी जैसे हम RT809H से EMMC रीड करते हैं उस टाइप की boot 1 और boot 2 और EMMC उस टाइप के फोल्डर बन चुके थे। जैसे कि ये मैंने प्रोग्रामर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इससे हम यहाँ से JTAG करते हैं इसको, तो ये हमारा जो फाइल है ये इस टाइप की 3 फाइलें बनती हैं। बट आपको ये प्रोसेस आप RT809H से और RT809F से भी कर सकते हैं, बट ये आपका कुछ ही बोर्डों में रिकवर होगा और कुछ ही बोर्डों में ये राइट होगा। बट आपको कुछ बोर्ड जो नए हैं, मतलब कि अभी जो नए बोर्ड आएंगे तो उसमें आपको ये यूनिवर्सल प्रोग्रामर जो RT809H है ये ही प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि जो आपका RT809F प्रोग्रामर है उसमें इतने फीचर्स नहीं है कि वो आपके आगे के बोर्डों को रिकवर कर सके। बाकी जो अपडेट आता रहेगा आई फिक्स का, तो उससे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ जाए RT809F बोर्ड प्रोग्रामर की। तो बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये boot 1 और boot 2 EMMC फाइल हमने रिकवर कर दी, और इसका साइज भी दिखा देता हूँ, ये को 3.68 GB जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था सेम साइज की हमने वो EMMC रिकवर कर लिए। और ये 8 MB का boot 2 और 8 MB का ही boot 1 हमने रिकवर कर लिया। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको बताया कि ये पेन ड्राइव मैंने रिकवर कर लिए, और रिकवर करने के बाद अभी मेरे पास सेम मॉडल के सेम नंबर के बोर्ड के कुछ बोर्ड्स हैं जो आपको मैं वीडियो की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।